बिहार में एसटीटी से लेकर के रेलवे के भी विभागों में लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, रिजल्ट की को लेकर के, एग्जाम कराने को लेकर के बवाल हर रोज होता है, चाहे राजधानी पटना हो या उत्तर प्रदेश का शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज। देखिए, एक लड़का है आरआरबी एनटीपीसी से, क्या मामला है भाई, काहे दुखी हैं? देखिए, ये जो मामला है ना कि इसमें डेट फिक्स नहीं कर रहा, अनुमान लगा रहा है कि ये महीना ले लेंगे, वो महीना ले लेंगे, मई महीने में ले लेंगे, ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में ले लेंगे, और ऐसे मतलब डेट फिक्स नहीं कर रहा है ना। और इस जो सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री जो थे वो बोले थे कि इसमें और का रिजल्ट ऐड किया जाएगा, मतलब 3.5 लाख और रिजल्ट किया जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई अभी इस पर सूचना बातचीत नहीं किया जा रहा। और यहाँ के स्टूडेंट लगातार गया में चोखा भात खा के मतलब अपना तैयारी कर रहे हैं, और सरकार इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बाप माँ से खर्चा मांग रहा है और वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा? उधर से बाप माँ गार्जियन बोल रहा है, अरे कब से तू रह मेरे गया में, तोरे नौकरी हो जितो रे, से इतना पढ़े थे से कुछ होते ना है और तोरे हो जिता। 96 नंबर भी नहीं हुआ मेरा, एनटीपी 96 नंबर लाए हैं, बेंगलुरु बहुत है, फिर भी नहीं हुआ। वेटिंग में डाले हैं का? नहीं नहीं, 96 तो ऊपर तब दिया, हाई सीट पर पूरा हाई तब दिया एग्जाम। देखिए, ग्रुप डी का जो फॉर्म है 2019 मार्च के महीने में भराया गया था, ठीक है, उसका जो डेट फिक्स कर दिया था आरआरबी के द्वारा मई या जून से, अभी 2022 आ गया, अभी तक एग्जाम का पता नहीं है। आरआरबी लगातार इस मामले को टालते जा रही है, कभी मई कभी जून जुलाई ऐसा करता जा रही है। एनटीपीसी का रिजल्ट में इतना धांधली हुआ, इतना धांधली हो एनटीपीसी का रिजल्ट में, इसका सुधारने का तरीका 4 मार्च को दिया गया था आरआरबी के द्वारा, अभी तक इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। एग्जाम तो हुआ है लेकिन रिजल्ट का पता नहीं, रिजल्ट भी आया तो फिर आगे क्या करना उसका भी पता नहीं है। इस तरह से मतलब यहाँ तक कि लड़का, हाँ, प्रदर्शन तो करना अच्छा बात है, लेकिन यहाँ ये पंचवर्षीय योजना बना दिया है और लगता है भविष्य में आने वाला 10 वर्षीय योजना भी हो जाएगा। देखिए, बिहार सरकार है, बिहार सरकार हर मुद्दा पे फ्लॉप है, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी, शराब। नीतीश कुमार जी का माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार का, इनका एक भी योजना सही से नहीं चल रहा है, टोटल योजना पे फ्लॉप है सरकार। योजना सही से नहीं चल रहा है तो कहें का माननीय भाई, मुख्यमंत्री हैं तो रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना, फिर भी हमारे व्यक्ति में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं ना। इज्जत भी दे दीजिए, वोट भी दे दीजिए, आयोजनों में मत दीजिए, सरकार हर मुद्दा पे फैलाओ। मगध यूनिवर्सिटी का बता रहे थे, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में कहना मैं यह चाहता हूँ कि मैं 20 में दिया था इंटर आईएससी, और अभी 22 आ गया, अभी तक एग्जाम भी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, अब पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। 3 साल का कोर्स होता है, अगला साल 3 साल भी होने वाला है, 23 तक तो 3 साल हो ही जाएगा, अब पता नहीं एग्जाम। हाँ हाँ, 5 साल में होगा, ये हो गया मतलब 2 साल हो गया, 5 साल में भी कंफर्म नहीं जी, हम 19 से 22 में लेकिन एक एग्जाम हुआ है, उसके बाद भी अभी तक कोई पता आता पता नहीं है। हाँ। ये तो मतलब हो सकता है कि 10 साल लग सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है। हाँ, और भी आप कुछ बता रहे हैं जी, आर्मी वाला आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं जी? आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी में अभी तक मतलब पर साल दिसंबर में तो हो गया था, जनवरी में उसका हो गया था फाइनल, और अभी तक हुआ उसका एग्जाम, अभी तक एग्जाम जिसका आर्मी में जो फिट है ना उसका अभी तक एग्जाम ही नहीं है, अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं हुआ, और हम लोग का नहीं बहाली आया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो ये बेरोजगारी लगातार मतलब प्रोसेस धीरे धीरे हो ही रहा है, तो आर्मी का कहना हो रहा है मतलब इसी अगर कोरोना के दुहाई दें तो एक तरफ बिहार सिंह ट्रेडमैन टेक्निकल क्लर्क का है कि कितना का ऐसा विद्यार्थी है, उनका उम्र लास्ट कर रहा है और वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार, इस पर भी गौर करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, रक्षा मंत्री को, आर्मी को लेकर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर के जो मारामारी चल रही है उसमें जो भी निष्पादन हो सकता है सरकार को करना चाहिए, ये आप लोगों की मांग है, यही ना? हाँ, मांग है कि सेंट्रल सरकार जो माइकवे ले लिए जो पहले ले जाएंगे मेरा, बोलते थे कि हमारा पहला सत्ता में आने से ही इतना 1.30 करोड़ फार्म भरा गया, तो क्या कमी है? सरकार तो खुद अपने से ही समझे, जो ऐलान कर रहा है कि नहीं सबसे ज़्यादा हम ही लोग के बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी जब साल में 2 साल बहाल 2 बार आती थी रेलवे या ड्राइवर या अच्छी आर्मी का, जो पंचवर्षीय योजना में ले जा रहा है रेलवे का, 19 में 22 में भी अभी कोई ठिकाना है, 3 साल हो गया है, हर मुर्दा को 5 वर्षीय योजना कराया जा रहा है, बहाली 20 में हो गया है दौड़ और 22 में अथी किया गया है, अभी कोई उसका डेट भी फिक्स नहीं है, और दूसरा बार भी अथी हो रहा है,
और जीडीपी भी तो देख ही रहे हैं सेंट्रल में कि क्या है। मोदी का ही पक्ष में नीतीश कुमार भी चला गया है, उसके बिहार में कुछ जो कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं, जैसे हाँ कोई विकास नहीं। पांच वर्ष डबल इंजन की सरकार है, धुकधुका के नहीं तेजी से चले। डबल इंजन के सरकार का मतलब रेस चलता है, जब डबल घोड़ा का ताकत मिल जाता है तो रेस तेज चलती है, इसलिए एक घोड़ा तो नहीं थक जाती है। लेकिन तेज प्रताप अभी विपक्ष के नेता है, फिर भी अखाड़ के बाप बोल रहा है। हाँ तेजस्वी, गलती हो गया, गड़बड़ाता है कोनो बात। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार सरकार कम से कम, जब कांग्रेस के राज था तो हर बार मुद्दा उठाता था कि हमारा विशेष राज दर्जा चाहिए, गरीब पिछड़ा में है बिहार, और आज कह रहे हैं कि नहीं भूल गया। और जब मुद्दा भी उठाते हैं विशेष राज का दर्जा नहीं, रेलवे को 3 महीना ने फाइनल करना चाहिए, हर वैकेंसी को, चाहे ये आर्मी वैकेंसी है, कॉल लेटर वैकेंसी बना दिया, 3 महीना में ज्वाइनिंग इसका होना चाहिए, और बेरोजगारी की समस्या बिहार में ज़्यादा है, उस पर कुछ समाधान निकालना चाहिए। हाँ, निकाल। चलिए सरकार से हमारी भी अनुरोध है कि कम से कम युवाओं के विचारों को सुना जाए और उस पर कोई ना कोई उस तरीके का चीज़ें बनाया जाए। देखिए दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी बहाली हो, बीपीएससी बहाली हो, एसटीटी सीटीटी से रिलेटेड बहाली हो, आरआरबी एनटीपीसी, ये आखिर ये सेंट्रल पर चलेगा। बिहार सरकार के अधीन आने वाले बिहार के जितने भी आयोग हैं, हर आयोग में बहालियां निकाली जरूर जाती हैं, लेकिन बहाली प्रक्रिया कब तक पूरी कराई जाएगी इसकी जिम्मेदारी ना सरकार लेती है, ना सरकारी मुलाजिम लेते हैं, ना ही सरकार के अधीन आने वाले आयोग के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि बीएसएससी 2014 की बहाली अब भी अधड़ में लटकी हुई है। इसका जवाबदेही किसको और जवाब देने से क्या होगा? हाँ आए कब भैया, इसी लॉज में हम लोग रहते हैं, 4 साल 5 साल से रह रहे हैं, अभी तक कोई मतलब कुछ नहीं है, सब सारे बेरोजगारी। रहने का खर्चा केवल कितना जाता है, केवल रहने का? चल सेहरा पहन कर तैयार रही है, साला दुल्हन की पता ही नहीं है दुल्हन है भी या नहीं है। इसी खबर के साथ समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात सभी अभिभावकों से रहेगा, आप अपने ही बच्चों पर जरा एक बार नजर डालिए और सोचिए कि आप उसे कितने दिनों से किस चीज़ की तैयारी के लिए भेजे हैं, और जिस चीज़ की तैयारी के लिए भेजे हैं उसकी बहाली कब निकाली गई थी, निकाली भी गई थी या नहीं, और बहाली की प्रक्रिया कितने दिनों बाद पूरी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो अब भी ऐसे रैली को दिखाइए पीछे, ऐसी रैलियों में झंडा ढोने की बजाय आप सरकार के नहीं बल्कि अपने ही ऐसे जनप्रतिनिधियों के द्वारा आयोजित की गई रैलियों में जाकर अगर सवाल पूछने लगेंगे तो आज आपके ये बच्चे मेरा मुंह नहीं देखेंगे, मेरे माइक की तलाश में नहीं रहेंगे, इनका समाधान अपने आप होता चला जाएगा। तो रैलियों में झंडा ढोने के बजाय अब भी आदतों को बदलिए, चाहे वो आरजेडी की रैली हो या जदयू की, किसी भी पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, किसी के भी नेताओं के पीछे पीछे अगर आप घूम रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं और आप हमारे अभिभावक हैं तो आप सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा तो फिलहाल स्टूडेंट की खबर पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टूडेंट की खबर एक अहम खबर होती है जिस पर हमारा भविष्य, हमारा और आपका निर्भर करता है, इसलिए हम इसे बेहद ही अहम अवधा देते हैं। रोजगार देखना है आगे के दिनों में क्या कुछ हो पाता है, निवारण या फिर नहीं। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।